आज ही टाटा कंपनी ने ऑफिशियली दो कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। पहली है टियागो सीएनजी और दूसरी है टिगोर का सीएनजी मॉडल। हालांकि दोनों ही कारों को बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इंडियन मार्केट में उतारा है और दोनों ही कारों की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा। आज दोपहर ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन व्यूज थोड़े से कम आ गए, लेकिन यार चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं टाटा की उन 6 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। सिर्फ एसयूवी कारें, सीडान नहीं, हैचबैक नहीं, सिर्फ एसयूवी कारें, और वो भी 6 एसयूवी कारें जिनको इसी साल यानी 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको टाटा कंपनी इसी साल इंडिया में लॉन्च करेगी वो है नेक्सॉन ईवी। हालांकि नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी बढ़ाई गई है, जिसके अंदर हमें लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएंगी। हालांकि जो करंट मॉडल है नेक्सॉन ईवी का वो एक सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक की रेंज देती है, लेकिन नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वाला मॉडल आपको लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा आराम से। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि टाटा कंपनी नेक्सॉन ईवी के अंदर 40 किलोवाट आवर की बैटरी बैकअप दे सकती है, जिसकी मदद से इसकी जो रेंज रहने वाली है वो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। इसके अलावा नॉर्मल से चेंजेस करे जाएंगे एक्सटीरियर में, इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है और टाटा नेक्सॉन ईवी को इंडिया में लाइक मिड 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो प्राइसिंग बताई जा रही है वो लगभग 17 लाख रुपीस से लेकर 18 लाख रुपीस के बीच में होने की उम्मीद है। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है टाटा की तरफ से जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है हैरियर का पेट्रोल मॉडल। अब हैरियर का पेट्रोल मॉडल इंडिया में लॉन्च होने वाला है तो तीसरी कार भी इंडिया में लॉन्च होगी, वो रहेगी सफारी का पेट्रोल मॉडल। आज के डेट में हैरियर और सफारी के अंदर डीजल इंजन दिया जाता है 2.0 लीटर वाला, जो कि लगभग 170 पीएस की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन इनके अंदर भी हमें बहुत जल्दी पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में स्लाइटली चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज रहेगा वो इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर किया जाएगा। और बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया गया है कि टाटा कंपनी एक नए इंजन के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा और ये इंजन लगभग 160 बीएचपी की पावर आउटपुट और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये इंजन हमें टाटा हैरियर और सफारी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब टाटा कंपनी इस इंजन के ऊपर काम कर रही है तो और एक कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, जो कि रहेगी टाटा के ब्लैकबर्ड। हालांकि इसका मुकाबला इंडिया में क्रेटा सेल्टॉस के साथ रहेगा, यानी ब्लैकबर्ड को उस सेगमेंट में इंडिया में उतारा जाएगा। इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। टाटा ब्लैकबर्ड को इंडिया में लगभग मिड 2022 में रिवील किया जाएगा, उसके बाद इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले टाटा कंपनी इस इंजन स्पेसिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करेगी। उसके बाद सफारी पेट्रोल को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, हैरियर पेट्रोल को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और ब्लैकबर्ड को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली टाटा सफारी का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसको टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है। कुछ इमेजेस यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन के साथ सफारी आने वाली है, हैरियर आने वाली है, ब्लैकबर्ड आने वाली है, लेकिन जो नेक्स्ट एसयूवी कार आती है जिसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, वो है सियारा। हालांकि सियारा को बहुत पहले इंडिया में बेचा जाता था, लाइक 2003 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि इसको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन टाटा सियारा एक बार फिर से इंडिया में वापस आने वाली है। ये अब इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में इंडिया में आने वाली है, जिसकी एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी एक सिंगल चार्ज में आपकी सियरा चलेगी 500 किलोमीटर तक। और इसकी जो कीमत बताई जा रही है इंडिया में लगभग 14-15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, कुछ इमेजेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। वही जो लास्ट कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है पंच। टाटा पंच के अंदर हमें डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पंच भी लॉन्च होने वाली है। उसी के साथ टाटा पंच के पेट्रोल मॉडल के अंदर टर्बो इंजन भी दिया जाएगा। आज के डेट में पंच के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है रिवोट्रॉन का, जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन और भी पावरफुल इंजन इसके अलावा डीजल इंजन के साथ पंच को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले टाटा कंपनी डीजल इंजन को इंडिया में लॉन्च करेगी, उसके बाद पंच ईवी को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद टर्बो वाले इंजन के साथ टाटा पंच को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर इन 6 एसयूवी कारों को टाटा कंपनी कंपनी इसी साल यानी 2022 में लॉन्च करने वाली है। हालांकि कुछ कारें ऐसी भी है जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ टाटा सियरा का, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जिसके अंदर आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यार ये छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइट सेफ, वी आर हेल्मेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।